हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वीट देसी फैमिली ब्लॉग में मैं आपका वेलकम करती हूँ, ललिता मीना। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज आप लोगों से मुझे शिकायत है क्योंकि मेरे वीडियो में बहुत दिन के बाद वापस डालने स्टार्ट किए है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने बंद कर दी थी ब्लॉगिंग और अब वापस डाल रही हूँ वीडियो। लेकिन आप लोगों का इतना प्यार मिल नहीं रहा है, सपोर्ट मिल नहीं रहा है, व्यूज भी काफी कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर मेरे इतने दिन हो गए फिर भी 1K कंप्लीट नहीं हुए हैं। और अभी मेरे बड़ी मुश्किल से 4-6 सब्सक्राइबर बढ़े थे, 800 897 ऐसे कुछ थे, फिर 907 हुए और फिर धड़ाम से नीचे 900 पे आ गए हैं। तो ऐसे मत करिए, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। लाइक और सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत करिए और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को दीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना प्यार मेरे चैनल के साथ बनाए रखेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, जल्दी से मेरे कम से कम 1K तो कम्प्लीट हो, तो प्लीज सपोर्ट करिए मुझे। और मैं वाकई में काफी अपसेट हूँ क्योंकि मेरे इतने दिन हो गए फिर भी 1K कंप्लीट नहीं हो रहे हैं और यूट्यूब पे भी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, आपको बहुत टाइम देना पड़ता है तब जाके आप आगे बढ़ते हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी तरफ से 100% दूं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करोगे और मुझे सपोर्ट करोगे। तो प्लीज आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए मेरे चैनल के साथ और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग चाहो तो मेरा चैनल ग्रो करेगा, नहीं चाहो तो नहीं करेगा, तो आप लोग ही हो जो चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, नहीं चाहो तो जहाँ हैं वहीं रोक सकते हो किसी को भी। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए और देखिए आज का मेरा ब्लॉग। सुबह का टाइम है और मैं आ चुकी थी किचन में और बर्तन बहुत सारे ढेर लगे थे तो वही मैं केस पट्टी और चूल्हे वूल्हे को सबको साफ कर रही थी क्योंकि चाय भी अगर ज़्यादा आंच रह जाए तो बाहर निकल आती है, या फिर सब्जी रोटी के भी कुछ बनाओ तो ऊपर हो जाती है गंदगी चूल्हे पे और पट्टी पे। तो मैंने उसको अच्छे से साफ़ कर दिया और उसके बाद थे बहुत सारे बर्तन तो मैंने बर्तनों को भी सारों को मांज दिया था क्योंकि सुबह सुबह इतनी ठंड होती है कि स्वेटर साल सब ओढ़ के सारा काम करना पड़ता है। खैर परेशानी तो काफ़ी आती है, इतने सर्दी का टाइम है, निकल ही जाएगा धीरे धीरे। और ये उसके बाद मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से धुल दिया था और धूप भी निकल आई थी तो मैंने उधर पेपर पे फैला दिया था। और उसके बाद बना रही थी मैं पालक के पराठे क्योंकि सर्दियों का मौसम है और कुछ भी ऐसे पराठे वराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं पालक के पराठे बनाती हूँ। और इसमें मैंने कुछ और मतलब ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, नमक और अजवाइन, बस आटा लगा लिया था, पालक कट करके उसमें मैं आटे में मिक्स कर दिया और आटा लगा लिया था और फिर बेल दिए जैसे गोल रोटी बनाते हैं वैसे ही बेल दिए थे पराठे। और उसके साथ बनाई थी मैंने मिर्ची के गट्टे, फ्राई किए थे तो दही और मिर्ची के गट्टे के साथ भी पराठे अच्छे लगते हैं और आप अचार के साथ खाना चाहते हो तो अचार के साथ भी अच्छे लगते हैं। और जैसे ही पहला पराठा बनता है तो इसका एक चक्कर ज़रूर होता है किचन में, पर बना नहीं था पराठा जो वापस चला गया। और अब बन चुके हैं मेरे पालक के पराठे, तो ये मिर्ची के गट्टे और पालक के पराठे के साथ सर्व कर दिया था। और दही हमेशा ही रखा होता है फ्रिज में लेकिन अभी ठंडाई थी तो खाया नहीं आज तो। और सब काम से फ्री हो के नहा के धूप में बैठी थी मैं। और ये चने भी मैंने जो 5-7 दिन पहले भिगोए थे दाल और बेसन बनाने के लिए, जो अब करीब करीब सूख चुके हैं, जल्दी इसकी दाल और बेसन बनाएंगे। और ये सुबह जो मैंने सब्जियां धोई थी वो अब इनका पानी सूख चुका है तो मैं अंदर रख रही थी और यहाँ पे दोनों बच्चे कर रहे हैं बदमाशी, एक दूसरे से लड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था यहीं लड़ते लड़ते कहीं मेरे ऊपर ही ना गिर जाए।
सूख चुकी है, मतलब इनका पानी सूख गया और मैं रख रही हूँ फ्रिज में। और उसके बाद थोड़ी सी जो भी पालक और मेथी थे उसको साफ़ करके रख दूँगी, ताकि जब भी सब्ज़ी बनानी हो तो फटाफट से बन जाए, फटाफट कटी और बन जाए। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।